हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो बेटा, आज हम लोग एक क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। बेसिकली आज इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है? बाद में हम एक्टिविटी भी इसके ही मतलब इसी टॉपिक में भी हम लोग एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानते हैं मेटल और नॉन मेटल का मतलब क्या होता है। बेटा, मेटल का मतलब कि आपने तो सुना ही होगा, मेटल किसे कहते हैं? जैसे कि स्टील आपने देखा होगा, ठीक है? स्टील का कोई भी आप यूटेंसिल्स देखा होगा आपने। मेटल का मतलब ऐसा समझिए जो बहुत ही हार्ड और सॉलिड सब्सटेंसेस होता है, जो बहुत ही हार्ड और सॉलिड सब्सटेंसेस होता है और शाइनी होता है। शाइनी को हम लोग यहाँ पे एक और भी वर्ड यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं लस्टर या लस्टरस कहते हैं, ठीक है? यानी कि शाइनी, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसकी सरफेस पे कोई भी हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पड़ेगी तो वहाँ से उसके ऊपर पड़ने पे वो शाइन चमकेगा। मतलब मेटल होगा तो चमकेगा, वो मेटल नहीं होगा तो नहीं चमकेगा। और क्या होता है इसके अंदर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या ट्रैवल कर सकती है, फ्लो कर सकती है मेटल में? मेटल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेटल है, मेटल है तो इसलिए क्यों होगा? क्योंकि भैया मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल जो होते हैं बेटा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है मेटल वाली चीज़ों में, जो मेटल की बॉडी होती है। बेसिकली ये हार्ड होते हैं, ठीक है? सॉलिड है तो हार्ड होगा, शाइन करेगा। लस्टर यानी कि लस्टर का मतलब शाइनी होगा। और क्या होगा? हीट है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? कंडक्टर का मतलब बेटा ये होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाए, उसे कहते हैं कंडक्टर। और जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो करे उसे कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर के तौर पे हम कह सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, वुड, लकड़ी वाली चीज़ें, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, मेटल वाली बॉडी में पास हो सकती है। तो ये मेटल हो गया। अब करते हैं नॉन मेटल क्या होता है सर। नॉन मेटल बेटा क्या होता है? जो मेटल के अंदर प्रॉपर्टी आ रही है, जैसे कि हार्ड है, सॉलिड है, शाइन करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, गुड कंडक्टर है, ये सारी चीज़ें इसमें ना आए तो उसे क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे। नॉन मेटल क्या होगा? जो मेटल को फॉलो ना करे उसे कहते हैं, ठीक है? सर, मेटल के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? मेटल जो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, सब कुछ होता है उसका, होता है आयरन, होता है टिन, होता है एल्यूमिनियम, होता है, ये सब क्या है? मेटल है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मेटल अभी हम बताएंगे आपको। और सर, नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं? नॉन मेटल बेटा हाइड्रोजन हो गए हमारे। हाइड्रोजन तो मेटल में भी आता है, नॉन मेटल में भी आता है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये डिफाइन नहीं हो पाया है कि मेटल हमारा जो हाइड्रोजन है मेटल है या नॉन मेटल है। अभी दोनों में आता है, मेटल में भी काम होता है, नॉन मेटल में भी आता है। और सर ये बताइए कि नॉन मेटल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? बेटा नॉन मेटल जो होता है बेसिकली, जैसे कि फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, ठीक है? बढ़िया से समझ गए मेटल और नॉन मेटल में फ़र्क क्या होता है। अब एक बार और बता रहे हैं इसको डीपली थोड़ा सा। देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 118 एलिमेंट नोन, अबाउट 80% आर मेटल एंड 19 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। मेटल यूज बाय अस इन आवर डेली लाइफ आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, एसन को कहते हैं टिन, एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, ठीक है? जिसमें से 80% सिर्फ मेटल है, 80% मेटल है। और उसमें से क्या हुआ, जो बचे हुए 19 एलिमेंट्स जो हैं हमारे कौन से, वो नॉन मेटल है। यानी कि 100% में से 80% मेटल ही हो गए, यानी कि मेटल ज़्यादा हैं। और नॉन मेटल कितने हैं? सिर्फ 19 एलिमेंट है नॉन मेटल के। कौन कौन से अभी जानेंगे। मेटल यूज बाय अस इन अवर डेली लाइफ, मेटल का भैया हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कहाँ कहाँ करते हैं अभी बताते हैं। जैसे कि कौन कौन से मेटल होते हैं, आयरन, ठीक है? एफ ई का सिंबल होता है, जो एफ ई होता है उसको कहते हैं आयरन। जैसे कि आयरन नेल, कील, कील देखी है आपने, ठीक है? कील को इंग्लिश में कहते हैं आयरन नेल। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एसन हो गया, एसन को कहते हैं बेटा टिन। एसन सिंबल होता है और इसको हम लोग लिखते क्या हैं, इसको लिखते हैं टिन, टी आई एन, टिन। और टिन का सिंबल होता है एसन, ठीक है? और क्या लिखा है, द एलिमेंट आर क्लासिफाइड इन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स दिए हुए हैं इस ब्लॉक के अंदर, ये सब क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक मेटल और एक नॉन मेटल आएगा। अभी मेटल नॉन मेटल के बारे में और अच्छे से बताएंगे। एंड सेमी मेटल है, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्लासिफाइड है दो पार्ट में, नहीं तीन पार्ट में क्लासिफाइड है, मेटल, नॉन मेटल
और सेमी मेटल। सेमी मेटल को मेटलॉइड्स भी कहते हैं, सेमी मेटल कह दो या मेटलॉइड कह दो, ठीक है सर समझ गए कि इसके अंदर जो एलिमेंट दिए हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, या सेमी मेटल को मेटलॉइड भी कहते हैं, ठीक है। द मेटल अपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड नॉन मेटल अपेयर एट द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड मिडिल वन इज मेटलॉइड, ठीक है। यहाँ तक कि समझा रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं, ये जो आपने पीरियोडिक टेबल देखी है बेटा, ठीक है, ये जो आपने पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ये वाली, ये कह रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है हमारे पास, 118 है, ठीक है सर। एक ये ब्लॉक होता है, एक बीच वाला ब्लॉक होता है, और एक ये आखिरी वाला ब्लॉक होता है, ठीक है। हमने कहा बेटा यहाँ से पहले वाला जो ब्लॉक होता है, पहला और दूसरा, ठीक है, अभी पीरियोडिक टेबल जब आएगा चैप्टर तो उसमें और बताएंगे, ये और ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है एस ब्लॉक कहते हैं। ये ग्रुप वन होता है, ये ग्रुप टू होता है, ठीक है सर कोई बात नहीं। अब क्या करना है बेटा, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इस डिब्बे में रखे हुए, ठीक है, इधर वाले रखे हुए, और ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अभी सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब बता रहे हैं। अब इस पूरी पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं आप, ये एस ब्लॉक हुआ, इधर वाले डिब्बे के ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, और जो बीच में आते हैं, बीच में इसके और इसके बीच में आते हैं उसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब सर देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा आपको पिंक पिंक कलर से चौक से मैंने यहाँ पे इसको कुछ एलिमेंट को क्या कर दिया है, इसके अंदर कर दिया है, डिब्बे के अंदर कर दिया है। ये जो बेटा अंदर कर दिया है तो इसके इस तरफ वाले कुछ एलिमेंट होंगे और इसके इस तरफ वाले कुछ एलिमेंट होंगे। तो देखिए क्या लिखा है, द मेटल अपीयर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हुआ, मेरा लेफ्ट हैंड साइड, मेरा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि यूं खड़े होंगे तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये वाला हुआ। तो यानी कि इस तरफ वाले एलिमेंट यानी कि ये पिंक पिंक वाले के डिब्बे के अलग जो आए हैं, ये पिंक पिंक वाला डिब्बा ना काउंट करिएगा, पिंक वाले डिब्बा जहां तक कि भरा है उसको छोड़ के जो ये यहां से जितने भी एलिमेंट इस तरफ आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये सब के सब कैसे होंगे हमारे, मेटल होंगे, क्या होंगे, मेटल होंगे, मेटल अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए इस पिंक डिब्बे को हटा के इतने जितने भी इस तरफ से इधर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो होंगे मेटल होंगे, ठीक है। अब इस पिंक डिब्बे के उस तरफ वाले, इस पिंक डिब्बे के उस तरफ वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो होंगे नॉन मेटल होंगे, ठीक है। और इस डिब्बे के बीच में जो एलिमेंट है, जो पिंक पिंक से हमने जिस डिब्बे के एलिमेंट के अंदर, इस एलिमेंट को हमने डिब्बे के अंदर बंद कर दिया है पिंक पिंक कलर के अंदर, ठीक है, पिंक कलर के अंदर जो हमने भर दिया है, ठीक है, ये पिंक कलर का डिब्बा बना उसके अंदर एलिमेंट जो डाल दिए वो कहलाए जाएंगे मेटलॉइड्स या सेमी मेटल कह सकते हो आप, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स। सर मेटलॉइड्स मतलब क्या होता है, मेटल नॉन मेटल का तो मतलब पता है, मेटलॉइड का मतलब बेटा होता है जो मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों है, यानी कि इसके डिब्बे के अंदर मेटल भी होंगे और नॉन मेटल के भी एलिमेंट होंगे, यानी कि मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, और मेटल इज कॉल्ड मेटलॉइड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर 19 नॉन मेटल्स, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 19 नॉन मेटल पाए जाते हैं, किसमें, इस पूरी पीरियोडिक टेबल में 19 नॉन मेटल, ठीक है। आउट ऑफ दीज 7 आर सॉलिड, और इस 19 नॉन मेटल में, यानी कि नॉन मेटल वाले तो इधर हो गए, तो यानी कि कहा इस तरफ वाले जो 19 नॉन मेटल पाए जा रहे हैं उसमें से भी सात हमारे सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस है, मजबूत है, हार्ड है, ठीक है, यानी कि सॉलिड है, सात सॉलिड है 19 में से, और 11 जो हैं बचे हुए वो कैसे हैं, वो 11 गैसेस के फॉर्म में है, क्या है, गैसेस के फॉर्म में, यानी कि 19 एलिमेंट जो हमारे पास नॉन मेटल है उसमें से सात सॉलिड है और बचे हुए 11 जो है वो गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। एंड ओनली वन इज लिक्विड, और इस पूरे में से नॉन मेटल में से, ठीक है, सात सॉलिड हो गए, 11 गैसेस हो गई और एक जो बचा हुआ है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। नॉन मेटल में एक ऐसा भी होता है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड सर कौन सा होता है, ब्रोमीन। सर कहाँ है ब्रोमीन, ये है ब्रोमीन, नॉन मेटल ही तो है ब्रोमीन। ये सर लिक्विड क्यों होता है, लिक्विड बेटा ये रूम टेम्परेचर पे जब अपने हाथ पे ऐसे करके इसको रख लोगे ना
रूम टेम्परेचर पे, तो ये क्या करेगा, लिक्विड के फॉर्म पिघल जाएगा तुम्हारे हाथ पे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है, लो होने की वजह से पिघल जाता है। अगर हार्ड होता तो जमा रहता, पकड़ा रहता ना, वो करता क्या ना करता, मेल्ट ना होता, ठीक है। तो ये समझ गए। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं, एक बात और जान लो बेटा कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो तीन स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि अब हमें ये पता चल गया है कि सॉलिड जो हमारे पर नॉन मेटल है 19, उसमें से तीन स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, इतनी बात समझे। अब देखिए एक बार थोड़ा सा और मैं बता दे रहा हूँ, ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये पिंक वाले जो होते हैं बेटा बीच वाले, इसे कहते हैं मेटालॉइड्स, यानी कि मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का। और पिंक डिब्बे के इधर वाले कौन से होते हैं, नॉन मेटल होते हैं सर, ठीक है। और सर ये वाले जो डिब्बे के इधर होते हैं, ये सब ये होते हैं मेटल होते हैं। सर नीचे क्या है, नीचे बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है, एस पी डी एफ, नीचे जो आता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उसको आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप पूछना चाह रहे हो तो उसमें बेटा 7-7 एलिमेंट होते हैं, टोटल 14 एलिमेंट होते हैं। ऊपर वाली सीरीज में होता है लेंथेनॉइड्स, नीचे वाली सीरीज में होता है एक्टिनॉइड, ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसको नोट करो फिर मैं एक्टिविटी पे आता हूँ, ठीक है, जल्दी नोट करो। अब देखिए बेटा आपके पास जो एक्टिविटी आई है वो आई है 3.1 आई है, 3.1 एनसीईआरटी की पहली एक्टिविटी आई है आपकी मेटल एंड नॉन मेटल की। हमने यहाँ पे क्या कहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, हमने कुछ यहाँ पे मेटल लिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। 3.1 वाली एक्टिविटी में बेटा इन्होंने कहा है कि आपको कुछ यहाँ पे सैंपल लेने हैं, कौन कौन से सैंपल लेने हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लेने, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, उनका अपीयरेंस कैसे दिखते हैं वो नोट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इन मेटल को घिसना है अच्छे से सैंड पेपर की मदद से, सैंड पेपर, रेगमाल जिसको बोल सकते हैं, या किसी चीज़ भी ऐसी चीज़ से घिसिए जिससे शाइन करने लगे, रेगमाल ले लिया, सैंड पेपर या कोई भी चीज़ ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, रब करने के बाद उसको दोबारा आपको क्या करना है, अपेयर करना है, अपेयरेंस करना है कि कैसा दिखा, ठीक है, कैसा दिखा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कुछ सैंपल ले लिया, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम ले लिया, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स होते क्या है बेटा, पहले ये बताइए, हमने इन सबको मेटल्स को लिया तो उनका पहले क्या लिखना, अपीयरेंस, ये कैसे होंगे, मेटल्स हैव लस्टर, LUSTUR, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, शाइन करने वाला। भैया ये आप सारी चीज़ें लोगे तो मेटल है, तो मेटल कैसे दिखेंगे, लस्टर दिखेंगे, कैसे, शाइनी दिखेंगे। और क्या लिखा बेटा यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब बेटा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब बेटा ये होता है, जब कोई भी मेटल की बॉडी पे कोई लाइट पड़ती है, कुछ होता है, मान ली कोई धूप में कोई बर्तन रखा हुआ है कोई मेटल का कुछ, ठीक है, उसके ऊपर रेज ऑफ लाइट पड़ी तो उससे क्या होता है, चमकने लगता है। आप कोई बंदा दूर बैठा हो तो उससे आपके ऊपर थोड़ा सा ऐसा लगेगा, ठीक है, कि उसकी लाइट पड़ ली तो शाइन करने लगेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसकी सरफेस जो होती है रिफ्लेक्ट करती है, क्यों, क्योंकि शाइन कर रहा है, लस्टर है, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे, सर अगर इस पेपर को, इसको अगर यहाँ पर देखिए लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, क्लीन द ऑल दीज सैंपल्स गिवन एक्सपीरियंस, हमने डेट करके क्या कर दिया है, अपीयरेंस पूरा नहीं लिखा है। तो हमने कहा अगर इसको क्लीन करेंगे फिर इसको घिसेंगे सैंड पेपर से तो क्या होगा, दे बिकम मोर शाइनी। अभी ये वाला पार्ट बता रहे हैं आपको, वो उधर ना देखिएगा, दे बिकम मोर शाइनी। भैया सैंड पेपर से किसी मेटल चीज़ को और घिस दो तो उससे क्या होगा, उससे घिसने से उसकी शाइनेस और बढ़ जाएगी। शाइनेस मतलब वो वाली शाइनेस नहीं, यानी कि ये शर्माने वाली नहीं, यानी कि चमकने वाली। तो ये क्या होगा, दे बिकम मोर शाइनी, और शाइनी होने लगेगा और चमकने लगेगा, ठीक है। अब हमने कहा मेटल का मतलब ये होता है जिसके अंदर ज़्यादा शाइन करे, ज़्यादा लस्टर हो, लस्टर का मतलब शाइन करे, जो बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा सर कोई एक ऐसा मेटल बताइए जो शाइन ना करता हो, एक्सेप्शन देखिए लिखा है यहाँ पे। अब एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि मेटल होते साथ ही भी लेकिन वो मेटल की तरह शाइन नहीं कर रहा है, वो कोई एग्जांपल बताइए। तो हमने कहा है, हमने कहा लेड होता है, लेड क्या है, मेटल है। अभी हमने बताया था पीरियोडिक टेबल में, आप देख लीजिएगा कि इस तरफ वाले कौन से होते हैं, मेटल,
उसमें मेटल में कौन सा आता है, लेड आता है। लेड भी तो एक मेटल है लेकिन ये शाइन नहीं करता। देखिए क्या लिखा है, लेड को क्या कहते हैं, पीबी कहते हैं। शो डल अपीयरेंस, ये कैसा अपीयरेंस देगा, डल अपीयरेंस देगा। ठीक है, एक इकलौता ही एक मेटल ये वाला होता है जिसको रगड़ने पे भी शाइन नहीं मारता है मेटल, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये इकलौता एक एग्जांपल है जो नहीं हो सकता। ठीक है, हमने कहा सर ठीक है चलिए ये हो गया हमारे पास, ये एक्टिविटी कंप्लीट। हमने कहा अगर इसी चीज़ को अगर ये नॉन मेटल होता, अगर सर नॉन मेटल होता तो नॉन मेटल में क्या होता सर, नॉन मेटल भैया मेटल चमकते हैं, तो नॉन मेटल कैसे होंगे, नॉन मेटल आर डल अपीयरेंस। डल, डल का मतलब क्या होता है, एकदम मुझे वे मध्यम कलर। ठीक है, इसको मध्यम कहते हैं। डल का मतलब ही होता है एकदम सुस्त, जिसको शाइन ना करे। तो नॉन मेटल कैसे होंगे, डल अपेयरेंस होंगे। सर कोई अगर जैसे इसमें एक ऐसा मेटल है जो मेटल होते साथ ही भी नहीं चमकता है, तो क्या ऐसा कोई नॉन मेटल का एग्जांपल है जो नॉन मेटल होते साथ ही भी शाइन करे, है। कौन सा एक्सेप्शन, डायमंड है बेटा, आयोडीन है, ग्रेफाइट है, ये सब क्या है, ये सब है नॉन मेटल है। सर नॉन मेटल है फिर भी चमक रहे, हाँ चमक रहे, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब भी यही हुआ कि ये है तो नॉन मेटल लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये केस आता है, जैसे यहाँ पे केस आ रहा था, ये है तो मेटल, लेड है, चमकना चाहिए, मेटल है, लेकिन ये क्या दे रहा है, डल अपीयरेंस दे रहा है। वैसे ही नॉन मेटल में ये डायमंड, डायमंड क्या होता है, नॉन मेटल, चमकता है, लेकिन आयोडीन यानी कि नमक, नमक देखा होगा आपने कैसा समुंदर किनारे चमकता है। ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है देखा होगा, दे क्रिस्टल्स दे आर लस्चरस। लस्चरस का मतलब क्या होता है, लस्चरस का मतलब होता है शाइनी होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मेटल है, इस मेटल को अगर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि हमने हाथ से सैंड पेपर से घिस दिया, सैंड पेपर से घिस दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा। पहले तो शाइनी था और घिस दिया तो और शाइनी, बस यही बताना था इसमें। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बेटा आपके पास जो एक्टिविटी आई है 3.2 आई है, 3.2 में क्या करना है, 3.2 में आपको कुछ स्मॉल पीसेस के सैंपल लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं आपको, कौन कौन से लेना, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम लेना है। ठीक है, हमने डैश डैश करके बेटा लिख दिया है ऑब्जर्वेशन लास्ट का। ठीक है, इसमें से क्या करना है आपको, बुक से नोट कर लेना है, हम डायरेक्ट आपको एक्टिविटी बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है बेटा यहाँ पे, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एंड ये सारी चीज़ें लेती हैं। स्मॉल पीसेस में हमने क्या करा, ये सारी चीज़ें को ले लिया। ठीक है, फिर क्या करना है, इस सब मेटल को, इन सारे के सारे मेटल को लेने के बाद कट करना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ, छुरी से काटना है। ठीक है, छुरी से क्या करना है, काटना है। ठीक है, काटा, काटेंगे सर, देखेंगे कटता है नहीं कटता है, अगर कटेगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, नहीं कटेगा तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। फिर क्या करना है, फिर आपको एक चिमटा लेना है जिसको कहते हैं टोंग, टोंग की मदद से सोडियम मेटल को पकड़ना है। ठीक है, सोडियम मेटल को हमें क्या करना है, होल्ड यानी कि पकड़ के रखना है। ठीक है, उसको पकड़ना है, उसको उससे पकड़ेंगे, उससे क्या करेंगे, उससे पकड़ने, सॉरी टोंग से हम पकड़ेंगे सोडियम मेटल को, क्योंकि सोडियम मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, इजीली बहुत ही आसानी से और बहुत ही केयरफुली पकड़ना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही उठा लिया। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि होल्ड अ सोडियम मेटल विद द हेल्प ऑफ टोंग, टोंग से पकड़ेंगे, टोंग यानी कि चिमटा। उसके बाद पकड़ने के बाद क्या करना है, उसको हमें देखना है वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन करना है, उसको फिल्टर पेपर के ऊपर रखने के बाद उसको प्रेस करना है, प्रेस करने का यानी कि ड्राई कर लेंगे, ड्राई करने के बाद उसको हमें कट करके देखना है, क्या करना है, उसको कट करके देखना है, किससे, नाइफ से। अगर कटेगा तो क्या होगा ऑब्जर्वेशन, अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए, अब स्टार्ट करें। हमने स्मॉल पीसेस के क्या क्या लिए, टुकड़े लिए, कौन कौन से, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये जो मेटल लिए हैं, ये मेटल है क्या, पहली तो बात ये समझ में आनी चाहिए बेटा, जो ये सब लिया है ये सब क्या होता है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, ठोस होते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। कौन कौन से, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल ही तो हैं। अगर मेटल होंगे तो सॉलिड होंगे यानी कि ठोस होंगे, बीच में होल नहीं होगा। ठीक है सर, समझ गए। फिर क्या कहा इन्होंने, फिर हमने कहा, एक अपनी तरफ से पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं, हमने कहा सर ठीक है इतनी बात कर दी, अभी एक्सेप्शन वाला मत देखिएगा। ठीक है, वो हमने ऐड किया अपने खुद से,
फिर हमने कहा सर अगर उसको मेटल को अगर हम कट करना चाहेंगे तो क्या कट होगा या नहीं होगा। तो हमने ऑब्जर्वेशन देखा, मेटल हैव अ हाई डेंसिटी, डू नॉट कट मेटल। मेटल भैया अगर सॉलिड है तो मेटल की डेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी, कट हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल मेटल की आपस में बॉन्डिंग है। क्या है हमारे पास? मेटल मेटल की आपस में बॉन्डिंग है। एक मेटल आपस में क्या है? बॉन्ड बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है। मेटल मेटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, जिस वजह से उसको काटना चाहेंगे तो नहीं कट पाएगा। तो वही लिखा है ऑब्जर्वेशन में कि मेटल को अगर काटना चाहेंगे तो नहीं कटेगा, हाई डेंसिटी होती है, डू नॉट कट। ठीक है सर, ये ऑब्जर्वेशन पता चल गया। फिर क्या करना है? फिर देखिए लिखा है यहाँ पे, हमने एक्सेप्शन लिखा है, एक एक्सेप्शन बता देने सुन लिए। ठीक है, हमने कहा है ये सारे अगर मेटल, ये सारे के सारे मेटल अगर सॉलिड होते हैं, कट नहीं सकते, तो क्या कोई एक ऐसा मेटल है जिसको हम आसानी इजिली कट कर दें, या इजिली पिघल जाए, या इजिली मेल्ट हो जाए? मरकरी, मरकरी और गैलियम है, ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे पिघल जाता है, अभी जस्ट बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, अगर कोई पूछे कि अगर कोई इतने सारे मेटल हैं इसको कट नहीं कर सकते या कोई एक ऐसा है, तो मरकरी और गैलियम है, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, बात की बात है। फिर हमने कहा होल्ड अ पीस डैश 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 टोंग। फिर हमने क्या करा? सोडियम को चिमटे से पकड़ा, टोंग का मतलब होता है चिमटा, चिमटे से पकड़ा। सोडियम को क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा कैसा होता है, रिएक्टिव होता है और उसमें आग लग सकती है, अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा तो आग लग जाती है और ब्लास्ट भी हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या करना है? तो हमने देखा अगर सोडियम मेटल को टोंग से पकड़ेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या, सोडियम मेटल्स को मैंने चिमटे से पकड़ा। ठीक है, पकड़ने के बाद क्या करा हमने, इसको फिल्टर के पेपर के ऊपर रखा। फिल्टर पेपर क्या करता है? अंदर का मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब कर लेता है अगल बगल का, तो उसके ऊपर रख के प्रेस करेंगे, ड्राई करेंगे। ये हमने क्या पकड़ा? ये हमने टोंग लिया, टोंग से सोडियम मेटल को पकड़ा, फिल्टर पेपर के ऊपर रखा, फिल्टर पेपर को कस के दबाया, प्रेस करा। प्रेस करने से क्या हुआ? अंदर की सारी नमी जो भी थी वो भी सब चली गई। वैसे ही चली के आ गई, वैसे उसके ऊपर रखना ही चाहिए, नमी होगी तो और ज़्यादा ही रिएक्टिव हो जाएगा, पहली बात तो। ठीक है, प्रेस करा। प्रेस करने के बाद हमने देखा कि क्या अब ये नाइफ से फिल्टर करा। ठीक है, सॉरी, हमने क्या करा, फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रखा? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल रखने के बाद क्या करा हमने? उसको फिल्टर किया, फिल्टर छाना। किसको छाना? सोडियम को छाना। छानने के बाद हमने क्या करा, जब फिल्टर से हमने उसको छान लिया, छानना क्या एक तरीके से वो पूरा का पूरा सॉलिड, सॉलिड में ही रहेगा ऐसा लगता है, सॉलिड होता है, लेकिन देखिए क्या होता है, एक्सेप्शन सुनिए। सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया है, पोटेशियम है नहीं, सोडियम और पोटेशियम, चलिए पोटेशियम हटा दे रहे, अगर हम सोडियम मेटल को कट करेंगे तो सोडियम आर ऑल्सो मेटल, सोडियम भी मेटल है, लेकिन ये आसानी से क्या होता है, कट सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डेंसिटी लो है, इसके पास कैसी थी? हाई, इसलिए नहीं कट रहा था, तो सोडियम आसानी से कट जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? हैव लो डेंसिटी और इजिली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, छोटा सा ये एक्टिविटी थी, बात समझे आप? अब ये हो गया आपको ऑब्जर्वेशन, हो गया आपका। ठीक है, इधर की बात खत्म हो गई, अब एक छोटा सा हम और पॉइंट ऐड कर रहे हैं, उसमें सुनिएगा। अब देखिएगा, हमने कहा अगर ये मेटल में ये कंडीशन आती है, तो नॉन मेटल में अगर सर बात करें, नॉन मेटल में ये हमने अलग से लिखा है, हमने कहा नॉन मेटल जो होता है वो बना होता है कितने स्टेट में होता है? नॉन मेटल अभी हमने बताया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? कार्बन, फॉस्फोरस। लिक्विड में कौन सी चीज़ें होंगी? ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड में होता है, अभी बताया था। गैसेस में क्या आएगा नॉन मेटल में? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो सर क्या ये आसानी से कट सकता है नॉन मेटल? हाँ, कट सकता है, क्योंकि मेटल में हाई डेंसिटी है, नॉन मेटल में लो डेंसिटी है, ईजिली कट हो जाएगा नाइफ से। सर तो ये बताइए, कोई एक ऐसा एक्सेप्शन है जो नॉन मेटल में होने के बावजूद भी इजिली कट ना हो पाए? वो है डायमंड। डायमंड नॉन मेटल होता है लेकिन इजिली कट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बेटा, आपके पास एक्टिविटी 3.3 आई है। ठीक है, एक एक करके कर रहा हूँ, इसलिए बच्चों को ज़्यादातर शिकायत होती है कि सर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, देखिएगा आराम से। 3.3 में क्या कह रहे हैं बेटा? 3.3 में कह रहे हैं कि आपको कुछ क्या लेना है, आपको कुछ स्मॉल अमाउंट में आयरन लेना है, जिंक लेना है, लेड लेना है और कॉपर लेना है। इन सारे चीज़ों को लेने के बाद हमें क्या करना है, इनके छोटे 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 टुकड़े कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, एक स्टील का मेटल का बॉक्स होगा,
उसके ऊपर रख देंगे इन सारे इनके जितने भी पीसेस होंगे, ठीक है, आयरन, कॉपर, लेड, इन सब के पीसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। टुकड़ों में करने के बाद एक स्टील की ब्लॉक के ऊपर या एक स्टील के डिब्बे के ऊपर रखेंगे और हैमर से मारेंगे, पीसेंगे, क्या करेंगे, पीसेंगे, हैमर से पीसेंगे। और इसमें ये चेक करना है कि इनका शेप चेंज होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना करना है। इसमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, ये हमारे पास स्टील का क्या है, ब्लॉक है, ठीक है, एक स्टील का डब्बा है। स्टील के डब्बे पे हमने ये सारे एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास मेटल है इनको हमने किस में कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। इनके पीसेस मैंने उठाए, इसके ऊपर रखे और मैंने यहाँ से हैमर पकड़ा, हथौड़ा इससे मारना चाहा, और मारने के बाद देखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे चेंज हुआ नहीं हुआ, तो पता कैसे नहीं चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि चेंज हुआ नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन है। देखिए ऑब्जर्वेशन से भी पहले बेटा एक मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, छोटी सी है, ध्यान दे दिए यहाँ पे थोड़ा सा, MALLEABILITY, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है एक्सटेंडेड बाई हैमर, एक्सटेंडेड बाई हैमरिंग, ठीक है, एक्सटेंडेड बाय हैमरिंग, मतलब एक्सटेंड का मतलब होता है फैल जाना होता है। मेलिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर हम कुछ ठोक पीट के उसका शेप, आकार चेंज कर दे, उसे कहते हैं मेलिबिलिटी। और यहाँ पे कैसे एक्सटेंड हो रहा है, फैल रहा है, जब हथौड़े से मार रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं। मेलिबिलिटी का मतलब भी यही होता है, जिसके ऊपर मारते रहो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमने देखा इन सारी चीज़ों का, इन सारे जो दिया हुआ है, इन सब का टुकड़ों का हमने लेके मेटल बॉक्स के ऊपर रखा और कूटा, तो हमें ये मिला, हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि दैट इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, ये पतली पतली शीट में बदल गए। ठोकने पे इन सारी चीज़ों को ऊपर रख के पीसने पे ये किस में बदल गए, थिन शीट में बदल गए एंड चेंज दियर शेप और अपना आकार बदल लिया, शेप बदल लिया, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। और मेलिएबिलिटी का भी मतलब क्या बताया था, कि किसी का आकार बदल जाना, किसी का शेप बदल जाना। तो इन सारे मेटल्स को लेने पर हमने ये ऑब्जर्वेशन देखा कि इनको हम जब मेटल के बॉक्स के ऊपर रख रहे हैं और हैमर से कूट रहे हैं तो ये अपना आकार, अपना शेप चेंज कर दे रहे हैं और ये मेलिएबल प्रॉपर्टी बता रहे हैं, मेलिएबल कहा जाता है इसी को, ठीक है। अब हमने कहा, थोड़ा सा मेरा भी सुनिएगा, ठीक है, एक एक्सेप्शन जोड़ लें। अब हमने कहा सर कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो मेटल होने के बावजूद भी जो अपना आकार चेंज ना करें, एक्सेप्शन, तो हमने कहा सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, जिंक, ये सब कैसे होते हैं, ये लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे हाथ पे रखो पिघल जाता है, तो ये नहीं होते हैं, एक्सेप्शन, इनको छोड़ के, ठीक है। ये कैसे हैं, ये मेलिएबल है, थिन शीट देयर शेप, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबल, ये मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं शो करेंगे, ठीक है, एक्सेप्शन। एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं यहाँ तक कि तो आपका हो गया है, एक पॉइंट बेटा और ऐड कर रहे हैं, वो भी देख लो अगर क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस, ठीक है। अगर वो पूछे कि सर अगर नॉन मेटल क्या होंगे फिर, ठीक है, यहाँ तक कि तो हो गई एक्टिविटी आपकी, अगर वो पूछे सर नॉन मेटल क्या होंगे, अगर ये मेलिएबल हैं तो नॉन मेटल क्या मेलिएबल होंगे या नहीं होंगे, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, ठीक है, ये लिखिएगा नहीं कि हम आपको बता दे रहे हैं बस, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं बेटा वो नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी कि उनके अंदर शेप वेप चेंज नहीं होता, वो कड़क होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, कोई शेप चेंज नहीं होगा, कोई अपना आकार चेंज नहीं करेंगे, नॉन मेलिएबल होते हैं, ये मेलिएबल होते हैं, वो नॉन मेलिएबल होते हैं, ठीक है, नोट करिए बेटा जल्दी से। अब देखिए बेटा आपके पास जो आई है एक्टिविटी 3.4 आई है, ठीक है, 3.4 में क्या बताना है, 3.4 में बेटा आपको बताना है लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन डेली लाइफ। आपने रोज़मर्रा की लाइफ में आपने कई ऐसे वायर को तो देखा ही होगा, बहुत सारे जो तार वार घर में अगर हम लोग क्या जब भी
वायरिंग होती है, तो आपने देखा होगा कई तरीके के तार होते हैं, कई तरीके की वायरिंग होती है। तो आपने किस किस तरह की वायरिंग देखी है, कौन कौन से कौन कौन सी वायरिंग देखी है? कॉपर वायरिंग देखी होगी, ज़्यादातर आपने कॉपर की वायरिंग देखी होगी। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, पहले हमें क्या जानना है, पहले हमें जानना है कौन कौन से मेटल्स हैं जिसकी वायरिंग होती है घर में। तो पहले तो उसके नाम बताइए कौन कौन से होते हैं। एक होता है आयरन, ठीक है, ज़्यादातर आपने कॉपर देखा होगा। एक होता है आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, एल्यूमिनियम, जिंक ZnZ, Cu कॉपर, Au गोल्ड, Au को गोल्ड कहते हैं, और Ag को सिल्वर कहते हैं, Hg मरकरी, Pb लेड, Ni निकिल, Ti टाइटेनियम होता है। ठीक है, इतनी ये सारे हमारे पास एलिमेंट होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास मेटल होते हैं जिनकी हम वायरिंग करते हैं। ठीक है, ये डेली लाइफ में हम देखते हैं। सर बताना क्या है बेटा, एक चीज़ और याद कर लो यहाँ पे, मैं इस वाली एक्टिविटी में बताना चाह रहा हूँ, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब समझते हैं, डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ दो और वो अपना शेप चेंज कर ले, और फिर उसको खोल दो फिर वो खुल जाए वैसे। ठीक है, बिना कोई फ्रैक्चर हुए। फ्रैक्चर का मतलब वो वाला फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर का मतलब ये समझो, मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे, कहने का मतलब है कि ये एक तार है हमारे पास, इस तार को अगर हमने यूं 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 मोड़ दिया और इस तार को बाद में मैंने खोल दिया, तो बिना टूटे फूटे बिना फ्रैक्चर हुए ये खुल भी गया, उसे कहते हैं डक्टिलिटी। विदाउट एनी, यानी कि किसी चीज़ को डिफॉर्म कर देना, सिकोड़ देना और बाद में खुल भी जाए, इसे डक्टिलिटी कहते हैं। क्यों बता रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। तो हमने ये सारे मेटल ले लिए, ठीक है, इसकी वायरिंग होती है। फिर हमने देखा यहाँ पे गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड जो होता है मेरा बहुत ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल होता है, इसीलिए हमने बताया कि डक्टाइल का मतलब होता है किसी को रोल कर दो, फोल्ड कर दो तार को, तो वो टूटेगा नहीं, इसको बाद में खोलोगे तो पूरा एक समुच्चा निकलेगा। तो गोल्ड कैसा तार होता है, डक्टाइल होता है, लचीला होता है। ठीक है, कैसा, डक्टाइल होता है। ठीक है, मेटल, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ एंड दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड आप लोगे वायर, 1 ग्राम गोल्ड, गोल्ड नहीं, गोल्ड का वायर लोगे, उसको अगर आप खींचते चले जाओगे, खींचते चले जाओगे तो 2 किलोमीटर तक के लेंथ हो जाएगी उसको, ये कहने का मतलब है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बताया, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ मोड़ दो, और किसी चीज़ को तोड़ने मोड़ने के बाद तारों को मोड़ ही देते हैं हम लोग, तारों को खोलो फिर एकदम से लंबे खुल जाते हैं। ठीक है, बिना टूटे फूटे बिना फ्रैक्चर हुए, तो गोल्ड भी वैसा ही होता है, 1 ग्राम गोल्ड को अगर लोगे और उसको मोड़ दोगे और उसको पूरा खोलोगे तो 2 किलोमीटर तक की लेंथ उसकी हो जाती है। ठीक है सर, अब देखिए, अब देखिए, अब हमने कहा यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं, एक हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, छोटा सा हम डिफरेंस अपना देखिए बता रहे हैं। हमने कहा मेटल्स कौन कौन से होते हैं, हमने कहा मेटल्स वो होते हैं, मेटल्स वो होते हैं हमारे जो डक्टाइल होते हैं, यानी कि ये वाले मेटल्स कैसे हुए, डक्टाइल हुए। हमने कहा नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स जो डक्टाइल नहीं होते, दे आर नॉट डक्टाइल्स, नॉन मेटल नहीं होते, और मेटल कैसे होते हैं, दे आर डक्टाइल होते हैं और कन्वर्टेड इनटू वायर, जो छोटे छोटे कन्वर्टेड हो जाते हैं, वायर में बदल जाते हैं, छोटे छोटे वायर में या बड़ा कर दो। ठीक है, यानी कि मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लचीले भी होते हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आया है कि ये बताइए, कोई ऐसा भी हमारा मेटल होता है जिसको हम मोड़ने पे टूट सकता है, जो डक्टाइल, जो मेटल होने के बावजूद भी मेटल की प्रॉपर्टी ना शो करे। सर नहीं समझ में, कहने का मतलब है कि ऐसे मेटल हमने देखी, ये सारे मेटल इनको तोड़ दो मोड़ दो फिर से एकदम बन जाते हैं। गोल्ड का एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, गोल्ड का डक्टाइल है वो, उसको तोड़ो मोड़ो फिर लंबा करो फिर हो जाएगा। हमने कहा कोई एक ऐसा मेटल बताइए जो मेटल हो है, तो मेटल है तो यानी कि डक्टाइल होना चाहिए, लेकिन वो मेटल होने के बावजूद भी डक्टाइल नहीं, वो नॉन डक्टाइल होगा। तो हमने कहा एक्सेप्शन, जिंक और सोडियम, अभी कट कर ले रहे थे नाइफ से, आसानी से कट हो जा रहा था, तो सोडियम और जिंक ये भी मेटल है लेकिन डक्टाइल नहीं है, एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। हमने कहा और कौन सा डक्टाइल हो सकता है सबसे अच्छा, गोल्ड अभी बताया, और कौन सा हो सकता है, Ag सिल्वर हो सकता है, और सबसे ज़्यादा कौन सा हो सकता है, W, W का मतलब होता है टंगस्टन, पीरियोडिक टेबल में W जो वर्ड लिखा होता है सिंबल उसको टंगस्टन कहते हैं, और ये सिल्वर और टंगस्टन के जो वायर होते हैं बेटा ये इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते, जब कटिया वगैरह मारते हैं तो ये वही वाले तार होते हैं जो एकदम पतले पतले से आए होते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी में काम करते नहीं है लोग,
तो ये AG और W टंगस्टन के वही वाले वायर होते जो इनविजिबल होते, दिखाई नहीं देते, ठीक है। W का मतलब टंगस्टन, ठीक है। सर नॉन मेटल में बताइए, नॉन मेटल, नॉन मेटल तो वैसे भी डक्टाइल नहीं होते। सर एक्सेप्शन बताइए कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी हमारा कोई ऐसा नॉन मेटल हो जो हमारी डक्टिलिटी शो कर रहा हो। तो हमने कहा एक्सेप्शन कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर तो देखा ही होगा, कार्बन फाइबर जैसे कि आप ऐसे समझो कि जैसे कि टाट नहीं आते, टाट जैसे कि प्लास्टिक के टाट आते हैं, ठीक है, छोट जो प्लास्टिक के टाट आते हैं कैंची से कट हो जाते हैं, वो भी कार्बन फाइबर का बना होता है। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किससे, स्टील से। ऐसा आपको लग रहा होगा लेकिन ये चीज़ सच है, जो कार्बन फाइबर होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं स्टील से। एग्जाम्पल, ठीक है, ये है क्या, नॉन मेटल, लेकिन शो कैसा करेगा, डक्टाइल। खींचने पे टाट वगैरह जो होते हैं नहीं, रबड़ वाले, खिंच जाते हैं, ठीक है, तो कार्बन फाइबर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी 3.4 के बाद 3.5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 3.5 में क्या करना है बेटा, एक मिनट में पढ़ के बता दे रहा हूँ बेटा आपको। इसमें क्या करना है बेटा, आपको एल्युमिनियम कॉपर वायर लेना है, ठीक है, एल्युमिनियम कॉपर वायर का क्लैंप लेना है। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। देखिए हमने क्या करा, ये डायग्राम अपनी बुक में देखिएगा, हमने एक यहाँ पे क्लैंप लिया है, क्लैंप का मतलब स्टैंड लिया है। स्टैंड से हमने किसको जोड़ा है, स्टैंड से ये जो लंबा सा आया है, ये कॉपर और एल्युमिनियम का कोई एक भी वायर वायर लिया है, ये कॉपर कॉपर का ले लो चाहे एल्युमिनियम का ले लो। तो हमने स्टैंड से इस ऐसे जो आया है ये कॉपर या एल्युमिनियम का वायर लगा दिया इस स्टैंड से फिक्स करके, इस स्टैंड को कहते हैं क्लैंप, ठीक है। अब हमने जो क्लैंप में जो इस स्टैंड में लगाया है कॉपर और एल्युमिनियम का वायर, उसमें यहाँ पे छोटा सा ये जो दिख रहा है वैक्स लेंगे, या वैक्स यानी कि क्या होता है, मोमबत्ती का वैक्स जो होता है, उसमें छोटी सी कील लेंगे, कील को वैक्स के अंदर घुसेंगे। देखिए हम बता रहे हैं, वैक्स लेंगे, वैक्स लेंगे, वैक्स लिया, उसके अंदर मैंने कील को यूं लगा दिया, और लगाने के बाद इस कॉपर वायर से मैंने यूं करके चिपका दिया, चिपका दिया, कॉपर वायर से सिर्फ चिपकाया है, वैक्स की किसी किससे चिपकाया है, वैक्स की मदद से। और वैक्स में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कील लगा, देखिए यहाँ पे पिन है, पिन को कहते हैं कील, और ये वैक्स है, और यहाँ पे कहाँ पे लगा है, जहाँ पे ये कॉपर या एल्युमिनियम का वायर ख़त्म हुआ है, फ्री एंड वायर जहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। फिर सर क्या करना है, फिर नीचे बंसन बर्नर लेना है। अरे बंसन बर्नर ले लो जलाने के लिए, या आपकी बुक में लिखा है स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट स्पिरिट लैम्प लिया है, ठीक है। स्पिरिट लैम्प किसे कहते हैं, बंसन बर्नर को, जिसमें से आग निकले। फिर हमने इस कॉपर वायल को नीचे से हीट करना चालू करा, क्या करा हमने, यहाँ पे यहाँ से इसको जला दिया, जैसे ही जलाया ये हीट करने लगा, ये कॉपर का वायर लगा था और कॉपर के वायर में वैक्स की मदद से कील पिन लगी हुई थी, ठीक है। सर फिर क्या करना है, फिर बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या मेटल जो होगा, क्या हमारा जो जो ये वायर होगा क्या वो भी मेल्ट हो जाएगा, जब हीट करोगे तो क्या ये वायर भी मेल्ट होगा या ये मेल्ट होगा। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये किया, जब इसको हीट करने लगे तो ये जो वैक्स था और वैक्स के अंदर कील लगी थी छोटी सी, ये वैक्स हमने लिया, मान ली ये वैक्स हमने लिया, और वैक्स के अंदर हमने कील छोटी सी घुसा दी और इसको हमने कॉपर वायर में चिपका दिया। जैसे ही हीट करा तो हीट यहाँ से फ्लो हुई, क्योंकि मेटल है ये, और मेटल में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट पूरा क्या करता है, पूरी मेटल बॉडी को हीट कर देता है। अगर आप चाय की कोई, आप चाय रखते हो किसी भी मेटल की ट्रे में किसी में, तो वो मेटल की ट्रे भी पूरी हीटअप होने लगती है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, गुड कंडक्टर है, मेटल है। तो वैसे इसको जब कॉपर मेटल को हमने हीट करा तो यहाँ से ये जो मेटल कॉपर का जो ये मेटल वायर ये आया था ये मेल्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो यहाँ पे वैक्स लगा था कील के साथ वो मेल्ट होके जम से नीचे गिर गया पिन के साथ। वैक्स भी गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि भैया मेटल हीट छोड़ चुका है और मेटल से चिपका था वैक्स, और वैक्स से लगी हुई थी पिन, तो यहाँ से हीट करने पे वैक्स और पिन दोनों ही नीचे आके मेल्ट होके गिर गया। लेकिन कॉपर वायर या एल्युमिनियम का वायर मेटल वो हमारा मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखिए हमने, ऑब्जर्वेशन ये देखिए, ऑब्जर्वेशन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। भैया मेटल क्या कर रहा है, गुड कंडक्टर है, कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो। तो देखिए हीट दे के कर रहे हैं तो हीट पास हो रही है, तभी तो उसके अंदर वो नीचे गिर गया वैक्स, ठीक है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट ये लिख सकते हो, अगर ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट सेटिस्फाइड, आफ्टर सम टाइम द वैक्स मेल्ट एंड द पिन फॉल्स डाउन,
कुछ देर बाद देखा हमने इसको हीट करते करते देखा आफ्टर सम टाइम वैक्स मेल्ट, ये जो वैक्स था यहाँ पे लगा, वैक्स यानी कि समझ रहे हो ना मोमबत्ती का वैक्स जो होता है, ठीक है, वो कैसा हो गया, मेल्ट हो गया, मेल्ट का मतलब पिघल गया, पिघल गया, और पिन क्या हुई, फॉल्स, नीचे गिर गई, फॉल्स का मतलब वो ट्रू फॉल्स नहीं, फॉल एफ ए एल एल वाला, फॉल का मतलब नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गई पिन, ठीक है। तीसरा देखिए, मेटल वायर डज नॉट मेल्ट, ये जो मेटल वायर आया था ये मेल्ट नहीं होगा, ये मेल्ट सिर्फ होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर और कॉपर, तो हमने देखा जो हमने कॉपर और एल्युमिनियम का वायर लिया था वो बेस्ट कंडक्टर है, यानी कि उसमें हीट फ्लो कर सकती है, जब बर्नर बंसन बर्नर से नीचे से हीट करोगे तो हीट फ्लो हो सकती है, गुड कंडक्टर है, कंडक्टर किसे कहते हैं जिसमें हीट फ्लो करेगी, ठीक है। लेड एंड मरकरी पुअर कंडक्टर, और हमने ये भी देखा जो लेड और मरकरी होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या हीट फ्लो नहीं हो सकती। अब इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में आप कह दो, अब यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नली आप हीट दे रहे हो तो आप हीट के टर्म में कहोगे, हाँ अगर करंट वगैरह दे के होता तो इलेक्ट्रिसिटी कहते, तो वो भी फ्लो करता किसमें, एल्युमिनियम और कॉपर में, ठीक है, इसमें ना करता क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है, कंडक्टर जो यानी कि इंसुलेटर हुआ, इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, तो ये कैसा हुआ, पुअर हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ गए, तो चलिए आज यहीं रखते हैं यहाँ तक के, तो हम लोग मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट एक्टिविटी में, ठीक है, थैंक यू। और बेटा मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और थोड़ा सा शेयर करिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं।